नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षित भारत के करंट अफेयर कार्यक्रम में। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि इंडियन रेलवे ने रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो इसका नाम क्या कर दिया गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, इसका क्या है नाम कर दिया गया है। ये नाम कर दिया गया है। तो जो खास तौर से एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप यानी कि रेलवे से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा इसके नाम के बारे में और चर्चा करते हैं। आरपीएफ क्या है, यानी आरपीएफ है क्या, इसका क्या कार्य है। तो यह है रेल यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे की संपत्तियों की रक्षा तथा देश विरोधी गतिविधियों में रेल सुविधाओं के उपयोग की निगरानी यह रखता है। रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के अंतर्गत की गई थी। यह फोर्स रेल मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इससे पहले साल 1965 में आरपीएफ का नाम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स किया गया था। इसका पहले क्या नाम कर दिया गया था कि रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा विशेष बल, इसका नाम 1965 में चेंज किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास तौर से एनटीपीसी वालों के लिए और रेलवे जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा सुनीत शर्मा को क्या है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन पद पर अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और इन्होंने किन का स्थान लिया है, इन्होंने विनोद कुमार जी का स्थान लिया है, विनोद कुमार जी यादव का स्थान लिया है, जो क्या है पहले इस पद पर कार्यरत थे। और इसके बाद अगर हम देखें कि सिंधु श्री खुल्लर है वो क्या है, वो नीति आयोग के पहले फर्स्ट सीईओ है। इसके बाद अगर हम बात करें प्रदीप कुमार जी जोशी की, तो ये क्या है यूपीएससी के चेयरमैन है, संघ लोक सेवा आयोग के ये क्या है चेयरमैन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, श्री सुनीत जी शर्मा है। इसके बाद हम आगे देखते हैं और ये क्वेश्चन भी दोस्तों ध्यान रखना एनटीपीसी और रेलवे डी ग्रुप वालों के लिए वो क्वेश्चन है जो बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने परमाणु ठिकानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पाकिस्तान, क्योंकि भारत है वो पाकिस्तान के साथ प्रतिवर्ष नए साल पर यानी कि 1 जनवरी को क्या करता है, अपने जितने भी परमाणु के जो ठिकाने हैं उनकी सूची का आदान प्रदान करता है। वो अपने ठिकानों की सूची भारत को सौंपता है, भारत अपने ठिकानों की सूची उनको सौंपता है। इसके लिए एक इन दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ है ताकि क्या है वो एक दूसरे के परमाणु ठिकानों पर हमला नहीं करे। और अगर हम बात करें रशिया की, तो रशिया के पास दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है परमाणु आयुध है, सबसे ज्यादा है इसके पास। और इसके बाद अगर हम बात करें तो अमेरिका के पास सबसे खतरनाक है, मतलब डेंजरस की दृष्टि से अमेरिका के पास सबसे क्या है ज्यादा है। और इधर एशिया में चीन के पास भी बहुत से परमाणु आयुध है। इसके बाद अगर हम देखें कि ये क्यों करते हैं, तो यह है आदान प्रदान है दोनों देशों के बीच में जो परमाणु ठिकानों की सूची का, वो परमाणु ठिकानों पर हमले के विरुद्ध समझौते के अंतर्गत किया जाता है। और भारत और पाकिस्तान ने इस समझौते पर 31 दिसंबर 1988 को क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। और यह समझौता कब से लागू हुआ था, 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ था। उसके तहत ही प्रतिवर्ष 1 जनवरी को क्या है दोनों देश अपने परमाणु हथियारों के जो ठिकाने हैं उनकी जो लिस्ट होती है उनका आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है कि ई सिगरेट के सेवन से सर्वाधिक प्रभावित अंग कौन सा है, तो ई सिगरेट के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो इसका सही उत्तर है फेफड़े। क्योंकि जो आप धूम्र का पान कर रहे हो, धूम्र का पान कर रहे हो, तो वो कहां जाता है, आपके दोनों लंग्स में जाता है, और ये जो फेफड़े हैं वो क्या है, डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो त्वचा, त्वचा क्या इससे प्रभावित होती है, तो त्वचा लगभग इससे नहीं प्रभावित होती है, त्वचा ज्यादातर अन्य किसी कारक से प्रभावित होती है, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें यानी पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में त्वचा कैंसर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। नेत्र है वो क्या है, प्रभावित तो होता है ई सिगरेट के सेवन से, क्योंकि जो धुआं आंखों में जाता है उसे प्रभावित होता है, लेकिन फेफड़ों की तुलना में कम होता है। इसके बाद मस्तिष्क, तो मस्तिष्क भी क्या है, प्रभावित होता है, क्योंकि जो हम धूम्रपान कर रहे हैं वो हमारे फेफड़ों में जाता है, वहां से ब्लड के साथ में ये CO2 है, वो CO2 की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बॉन्ड बना लेती है हीमोग्लोबिन के साथ, जिससे क्या है कि रुधिर इसका RBC का अपघटन होना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन की जो गैसों के परिवहन की क्षमता है वो कम हो जाती है, और मस्तिष्क के पास कम मात्रा में ऑक्सीकृत रक्त पहुंच पाता है, जिससे उसकी भी कार्य प्रणाली में कमी आती है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो हमारा अंग प्रभावित होता है वो कौन सा है, वो है फेफड़े। इसके बाद अगर हम देखें तो अगर हमारा जो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ई सिगरेट है क्या, वास्तव में ई सिगरेट क्या है, तो ई सिगरेट क्या है, ई सिगरेट एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है इसका पूरा नाम, और ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक साधारण सिगरेट की तरह दिखता है। ई सिगरेट का बाहरी भाग होता है वो सिगरेट और सिगार के समान बनाया जाता है, सिगरेट और सिगार के समान बनाया जाता है, यानी कि छोटा सा पेन की तरह ही, ठीक है, जिसको आसानी से यूज किया जा सके। और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है वो एक बैटरी से चलने वाला उपकरण है, इसके अंदर एक सेल लगा होता है यानी बैटरी लगी होती है, जो निकोटीन के घोल में धुएं में परिवर्तित कर देता है, इसमें निकोटीन का घोल डाला जाता है जो धुएं में परिवर्तित कर देता है। तो निकोटीन किससे प्राप्त होता है, तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है, तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो जो निकोटीन है वो क्या है, एक प्रकार का एल्कलॉइड है जो हमारे तंत्रिका तंत्र को क्या है, नुकसान पहुंचाता है, और जब इसको इसका सेवन किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का, तो जिससे इस ये जो निकोटीन है इसके धुएं को जो बैटरी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, उस धुएं को फेफड़ों में प्रवेश करवाया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ई सिगरेट में तंबाकू नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ई सिगरेट में तंबाकू होता है, तो नहीं होता, क्योंकि इसमें क्या होता है, तंबाकू में पाए जाने वाला निकोटीन नामक एल्कलॉइड होता है, उसका घोल पाया जाता है, तंबाकू नहीं पाई जाती है। अब हम देखें भारत के अंदर इसके बारे में कि क्या सरकार के द्वारा इसके रोकथाम या प्रतिबंध के लिए कोई क्या प्रयास किए गए हैं, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सितंबर 2019 में देश में ई सिगरेट के उत्पादन, बिक्री, आयात, निर्यात, विज्ञापन, भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। तो ये सरकार का काफी सराहनीय कदम था। भारत में क्या है, अन्य देशों से क्या है, ये काफी सस्ता होता है तो उसको आयात कर लिया जाता है, और उसके बाद उसको बाजार में क्या है, वितरित करवा दिया जाता है, यानी कि इसका वितरण हो जाता है। तो युवाओं में इसका प्रचलन काफी बढ़ गया था, तो सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बाद अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो क्या है कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, ये टाइपिंग मिसप्रिंट हो गई कि क्यों किया है, तो क्यों जैसा ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है, तो किस देश ने किया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में क्या किया है, बदलाव किया है। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के दक्षिण में है, यानी कि भूमध्य रेखा है जो हमारी मध्य रेखा, विषुवत रेखा बोलते हैं जिसको, उसके दक्षिण की तरफ, इंडोनेशिया के दक्षिण की तरफ यहाँ पर एक पड़ता है इस प्रकार द्वीप, तो यह एक द्वीपीय देश भी है और द्वीपीय महाद्वीप भी है, खुद में ये महाद्वीप भी है और देश भी है। यहाँ पर इसके बाह्य जल संधि है और ऊपर की तरफ इसके इंडोनेशिया है और इधर इसके पूर्व की ओर में पड़ता है
न्यूजीलैंड, यहाँ पर इसके न्यूजीलैंड पड़ता है। और एक बात और बता दूं दोस्तों आपको, यहाँ न्यूजीलैंड है, यही पर क्या किया गया है, विगत कुछ सालों में एक आठवें महाद्वीप की खोज की गई है, आठवें महाद्वीप की खोज की गई है जिसका नाम जिलेंडिया रखा गया है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में अपने राष्ट्रगान में, हाल ही में अपने राष्ट्रगान में एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर में, ये इसके राष्ट्रगान का नाम है, ने कुछ बदलावों की घोषणा की है। राष्ट्रगान की जो सेकंड लाइन थी यानी कि दूसरी पंक्ति थी, फॉर वी आर यंग एंड फ्री, इसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया है, फॉर वी आर वन एंड फ्री कर दिया है। इसके बाद हम अगला जो देखें इसके बारे में पॉइंट कि ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को 1878 में लिखा गया था और 1984 में ऑस्ट्रेलिया का आधिकारिक राष्ट्रगान इसको बनाया था। अब हम देखें भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इनके थोड़ा राष्ट्रगान के बारे में देख लेते हैं। तो अमार सोनार बांग्ला है जिसका अर्थ क्या है, मेरा सोने का बंगाल या मेरा सोने जैसा बंगाल, इसका अर्थ है। और ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, इसके लेखक कौन है, श्री रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव, और यह बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो क्या है, पाकिस्तान का राष्ट्रगान है वो क्या है, सरजमीन है, सरजमीन को पाकिस्तान का राष्ट्रगान कहते हैं, इसे उर्दू में कौमी तराना भी कहते हैं, इसे हफीज जालंधरी ने लिखा था और इसका संगीत अकबर मोहम्मद ने बनाया था। यह सन 1954 में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बना, यह 1954 में पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान बना। उससे पहले जगन्नाथ आजाद द्वारा लिखित ए सरजमीन ए पाक था, वो पाकिस्तान का क्या था, राष्ट्रीय गान था। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम भारत के संदर्भ में बात करें, भारत के संदर्भ में बात करें तो जनगण मन, ये भारत का क्या है, राष्ट्रगान है। और इसको जो लिखा था वो मूलतः बंगाली में लिखा गया था और किसके द्वारा लिखा गया था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। यहाँ पर एक चीज ध्यान दे लेना कि बांग्लादेश और भारत दोनों का ही राष्ट्रगान है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हमारा जो राष्ट्रगान है इसके गायन की अवधि लगभग 52 सेकेंड है, कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे कम भी समय में गाया जा सकता है, लेकिन इसका जो आधिकारिक गायन अवधि है वो 52 सेकेंड की है। संविधान सभा ने जनगण मन हिंदुस्तान के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को इसको अपनाया था। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है, ध्यान देना राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में फर्क होता है, राष्ट्रगीत है वो किसकी क्या है, वो वंदे मातरम है। और यह किसके द्वारा लिखा गया था, वो श्री बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में बागवानी के विकास और प्रोत्साहन के लिए, किस राज्य में बागवानी के विकास और प्रोत्साहन के लिए एशिया विकास बैंक ने 10 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। अब हम थोड़ा सा इन राज्यों के बारे में भी बात कर लेते हैं। राजस्थान है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी जयपुर है। और यहाँ के जो सीएम है वो श्री अशोक जी गहलोत है, श्री अशोक जी गहलोत है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजस्थान की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो क्या है, वो सांबर है, नमक उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर में हवा महल है और उदयपुर में काफी झीलें पाई जाती है। जैसमन झील है वो एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील मानी जाती है। इधर उत्तर प्रदेश आ गया, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर यहाँ के सीएम है वो श्री योगी आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है। और यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है, वो लखनऊ है। और इधर मध्य प्रदेश आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है, भोपाल है, भोपाल है। और मध्य प्रदेश का एक शहर है, मध्य प्रदेश का ही एक शहर है, मध्य प्रदेश का ही एक शहर है इंदौर, इंदौर जो लगातार क्या है,
स्वच्छता सर्वेक्षण में क्या है, टॉप कर रहा है बार बार। और मध्य प्रदेश में क्या है, सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में क्या है, सांची का स्तूप स्थित है यहां पर, सांची का स्तूप स्थित है। और इसके बाद हम आगे देखते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य है एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, दिसंबर 1966 में की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है और इसके कुल 68 सदस्य हैं जिनमें 48 एशिया से है और एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, बाकी 19 है वो अन्य क्षेत्रों से है। और ये एशिया महाद्वीप में, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो एशिया महाद्वीप में जो गरीबी उन्मूलन है और सामाजिक और आर्थिक विकास है उन पर कार्य करना है। इसको शॉर्ट में एडीबी भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बूटा सिंह हाल ही में क्यों चर्चित रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा निधन के कारण, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। और कर्नाटक के राज्यपाल नियुक्त होने पर तो यह आंसर गलत है क्योंकि कर्नाटक के राज्यपाल अभी कौन है, वज्जू भाई वाला है। इसके बाद हम देखें कि राज्यसभा में मनोनीत होने पर तो राज्यसभा में ये मनोनीत नहीं हुए हैं। तो बूटा सिंह के बारे में अगर हम बात करें तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इनका 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। और ये 8 बार लोकसभा के लिए चुने गए थे और 8 में से अगर आपको एक बात बताऊं तो 4 बार तो जालौर से ही चुने गए थे, राजस्थान का एक जिला है जालौर, उससे चुने गए थे। बूटा सिंह ने भारत सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री, कृषि मंत्री, रेल मंत्री और खेल मंत्री रह चुके हैं और ये पहले बिहार के राज्यपाल भी थे और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं और ये मूलतः पंजाब के थे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ थे और ये दलित नेता थे, दलित नेता के रूप में इनकी पहचान थी और इसलिए इनको दलितों का मसीहा भी कहा जाता था। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि होप आइलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है, तो होप आइलैंड भारत के किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में होप आइलैंड है। ये देखो होप आइलैंड इस तरह की एक समुद्र के बीच में बनी हुई द्वीप आकृति है। अगर हम बात करें गुजरात की तो गुजरात के अंदर ही कच्छ का रण है, कच्छ का रण है और कच्छ की खाड़ी है और खंबात की खाड़ी है और जो तटीय सीमा है सबसे बड़ी भारत की तटीय सीमा वाला राज्य भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो तमिलनाडु है, ये काफी दक्षिण की तरफ स्थित भारत का एक राज्य है, दक्षिण की तरफ यह केरल और तमिलनाडु दोनों ही दक्षिणी भारतीय राज्य एकदम। और तमिलनाडु है उसकी अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी वो तमिलनाडु में ही स्थित है और तमिलनाडु में ही रामेश्वरम स्थित है, पम्बन द्वीप भी इसी में स्थित है, रामेश्वरम वही है जहां पर डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और केरला है इसके अंदर क्या है, वेम्बनाड झील है जो कि एक पसजला बैकवाटर है और यहाँ पर नौकायन की प्रतियोगिताएं हर वर्ष होती है। इसके बाद होप आइलैंड के बारे में थोड़ा सा अगर हम देखें तो होप आइलैंड क्या है, यह आंध्र प्रदेश के तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के तट के पास बंगाल की खाड़ी में स्थित है। टेडपोल की इसकी आकृति है, इस द्वीप का क्षेत्रफल 8.04 वर्ग किलोमीटर है, यह 200 वर्षों से कोरिंगा नदी की रेत से बना है और यह प्राकृतिक ब्रेक वाटर का काम करता है जो बंगाल की खाड़ी में आने वाले समुद्री तूफानों से काकीनाडा शहर को बचाता है। और देखें तो ये काफी छोटा सा द्वीप है और यहाँ पर 40 से लेकर के 45 घरों वाली एक बस्ती है और यहाँ पर जो लोग पाए जाते हैं उनका जो मछुआरे पाए जाते हैं उनका जो मुख्य पेशा है मछली को पकड़ना, उनको बेचना है
और यहाँ पर कोई ज़्यादा मूलभूत सुविधाओं का विकास अभी तक नहीं हुआ है। 5 से 6 साल पहले यहाँ पर बिजली मिलनी शुरू हुई थी, वो भी क्या है सौर ऊर्जा से मिल रही है, और यह अभी तक काफी संरक्षित पड़ा है क्योंकि यहाँ पर मछुआरे हैं वो प्रकृति और यहाँ के इस द्वीप का संरक्षण कर रहे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।